अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? एनी डिवाइस होती है विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क और मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि ऐसा डिवाइस जो हीट इंजन को या हीट को मैकेनिकल वर्क में चेंज करने के लिए यूज़ होता है, हीट इंजन कहलाता है। इसके हमारे पास तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं, हमारे पास हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, सिंक और जिसको बोलते हैं और वर्किंग सब्सटेंस। यानी कि हमारे पास ये हॉट रिजर्वायर है, ये कोल्ड रिजर्वायर है और ये हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है। वर्किंग कैसे होती है? हीट इंजन और स्टीम इंजन अब्जॉर्ब हीट Q1 यहाँ से क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है ऊपर से फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट थ्रू वर्किंग सब्सटेंस। इट कन्वर्ट सम ऑफ इनटू वर्क बाय एक्सपेंशन और रिजेक्ट द हीट Q2 सिंक, यानी कुछ हीट जो है रिजेक्ट कर देता है कोल्ड रिजर्वायर सिंक की तरफ और द प्रोसेस इज रिपीटेड एंड कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑब्टेन। यानी दूसरी तरफ जो होता है, जो बाकी हीट बच जाती है वो हमारे पास वर्क में चेंज हो जाती है। एफिशिएंसी की बात करें, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल वर्क डूइंग बाय इंजन इन वन साइकिल टू द क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स बोथ स्टेटेड इन थर्मल यूनिट्स। इट इज़ डिनोटेड बाई ईटा, ईटा से, यानी ईटा इक्वल टू एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट जो वर्क देता है और एनर्जी जो हम उसको देते हैं, यानी जो वर्क वो देता है और एनर्जी जिसने हम देते हैं वो हमारे पास क्या होगी, ईटा होगी। ये था हमारे पास हीट इंजन। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर बाकी वीडियोस आके आपको तक आप तक आसानी से पहुँचती रहें।